जो टूरिस्ट वीजा है वो हमने कन्वर्ट करवाया है वर्क परमिट में। जॉब कैसे मिली? आपने जॉब कहाँ पे ढूंढी? आप इनिशियली कनाडा क्यों आए थे? जितने इम्प्लॉयर्स होते हैं उनको इम्प्लॉयज नहीं मिलते। व्हाट कैन वेरिएट फ्रॉम 25,000 टू 50,000 गाइस? लाइक इज दिस लीगल और इज दिस इलीगल? एंड आपको एक थर्ड ऑप्शन भी बता देते हैं, क्योंकि आप फियांचो और कीरत की वीडियोस देखते हो। हेफ्टी अमाउंट तो नहीं दिया कंसल्टेंट को? किसके पास रह रहे हो? एड्रेस क्या है आपका करंटली? हेलो हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो रिसेंटली आप लोगों को पता लगा कि कीरत के ब्रदर का जो टूरिस्ट वीजा है वो हमने कन्वर्ट करवाया है वर्क परमिट में। एंड आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, बिकॉज जितने लोग कनाडा आना चाहते हैं या जिनके पास ऑलरेडी टूरिस्ट वीजा है वो वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीजा इनटू अ वर्क परमिट। सो इवन बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, आई वांट टू आस्क कीरत टू टेल यू गाइस एंड एक्सप्लेन इट टू यू गाइस कि जो कीरत के ब्रदर का प्लान कैसे बना, टूरिस्ट वीजा लगा कब था। 2018 में मैंने उसको स्पॉन्सर किया था टू अटेंड माय ग्रेजुएशन। मेरी स्टडीज फिनिश हुई थी, उसका लकीली विजिटर वीजा अप्रूव हो गया था एंड ही केम टू कनाडा। यस, एंड उसको बहुत अच्छा लगा था, बट ही वाजंट श्योर इफ ही वांट्स टू ट्राई टू सेटल डाउन। 90% लोगों को लगता है। हाँ, सो ही वेंट बैक एंड उसके बाद ही थॉट अगेन के व्हाई नॉट ट्राई के यहाँ पे अगर कुछ सेटलमेंट होती है। सो ही केम हेयर लास्ट ईयर एंड वी वर एबल टू कन्वर्ट हिज विजिटर वीजा टू वर्क परमिट। एंड जनरली गाइस ऐसा ही होता है लोगों के साथ। कनाडा इतनी प्यारी कंट्री है, इतनी सुंदर कंट्री है, इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, यहाँ पे लोग बहुत स्वीट है, तो जो भी लोग आते हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकने का दिल कर जाता है स्टार्टिंग में। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा सबके लिए इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, बट वंस यू सेटल इन इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो प्लान कर रहे हैं कनाडा में विजिटर वीजा को कन्वर्ट करवाने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी विजिटर वीजा पे आए हुए हैं एंड दे वांट टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। सो इस पूरे प्रोसेस को ना इजीली आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो स्टेप वन है वो क्या है कीरत? LMIA। LMIA की फुल फॉर्म सबसे पहले तो समझो, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। बेसिकली अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है उसको कोई एम्प्लॉई नहीं मिल रहा काम करने के लिए, क्योंकि कनाडा पे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं और यहाँ पे काफी जगह पे वेदर कंडीशंस थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, उसी वजह से जितने एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज नहीं मिलते टाइम पे। इसीलिए वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमें कनाडा में तो कोई नहीं मिल रहा, क्या हम कनाडा के बाहर से भी या फिर नॉन परमानेंट रेजिडेंट को भी हम क्या हायर कर सकते हैं लीगली। अब हम आपको दो रास्ते समझा सकते हैं। स्टेप वन, आप एक कंसल्टेंट ढूंढ लो। सो आप कंसल्टेंट इसलिए हायर करोगे अगर आपको कोई आइडिया नहीं है एंड यू आर नॉट गुड विद फाइंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका नेटवर्क नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते, सो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो आप डायरेक्टली कंसल्टेंट हायर कर सकते हो। वो कंसल्टेंट अपने नेटवर्क से, अपने रेफरल से आपको LMIA दिला सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं कंसल्टेंट हूँ, कीरत को जॉब चाहिए, कीरत टूरिस्ट वीजा पे है एंड मैं किसी एम्प्लॉयर को जानता हूँ एंड ही इज लुकिंग टू हायर समबडी। सो कीरत ढूंढ रही है LMIA, यहाँ पे एम्प्लॉय ढूंढ रहा है एम्प्लॉई, मैं एज अ कंसल्टेंट एक्ट करूंगा कि मैं इन दोनों को मिलवाऊंगा, इनका पेपर वर्क करूंगा एंड फॉर दैट अ कंसल्टेंट विल चार्ज। वो फीस कितनी हो सकती है उसका आइडिया कीरत आपको बताएगी। सो गाइस, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। yes. क्या होता है कि कंसल्टेंट एक मीडियोकर प्ले कर रहा है, ही नोज द एम्प्लॉयर, ठीक है, ही नोज यू गाइस एंड वो एक फीस चार्ज करेगा अपनी कंसल्टिंग की। That can वेरिएट from 25,000 to 50,000 guys. आपने सुना होगा अगर आप मतलब कि इन टच हो गए किसी कंसल्टेंट के साथ, वो कहते हैं कि हाँ जी कोई गल नहीं, कोई चक्कर नहीं है, मिल जाएगी LMIA, नहीं बोलते मिल जाएगी LMIA एंड एकदम से फिर वो रेट बताएंगे। yes. तो आपको मल्टीपल कंसल्टेंट से कनेक्ट करना होगा, आपको बात करनी होगी, जिसका प्राइस आपको जेन्यून लगता होगा, गो विद दैट पर्सन। ऑल्सो पहले ही अपफ्रंट फीस नहीं दे देनी, बिकॉज काफी स्कैम्स भी हो जाते हैं। गाइज ये ना एक ऐसी चीज है कि कोई बंदा आपको आके सपना दिखाएगा कि यार आप मुझे इतने पैसे दो, 40-50,000 कैनेडियन डॉलर्स एंड मैं आपका पेपर वर्क करवा दूंगा, मैं आपको ये प्रोसेस करवा दूंगा, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो मेक श्योर जिसको भी आप अप्रोच कर रहे हो उन्होंने पहले किसी में आपकी जान पहचान का किया हो एंड ओनली देन डू इट। वी आर नॉट, दिस चैनल इज नॉट प्रमोटिंग कि आप कंसल्टेंट हायर करो एंड स्पेंड 50,000 रुपीज। वी आर जस्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली कि दिस इज वन वे दैट पीपल डू इट, दिस इज अ वेरी कॉमन वे एंड वी वांटेड टू एजुकेट यू कि ये सब चलता है। हाँ, अब इसमें भी ना एक बहुत थिन लाइन है, वो ग्रे एरिया में आ जाता है कि इज दिस लीगल और इज दिस इलीगल। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कंसल्टेंट कहते हैं यार मेरी फीस ही 50,000 डॉलर्स है, सो यू कैन नॉट कॉल इट इलीगल। ए कंसल्टेंट कैन चार्ज 5,000 डॉलर्स,
बी कंसल्टेंट कैन चार्ज $50,000 एंड डी कंसल्टेंट कैन चार्ज $1,00,000. जैसे कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है ₹300 और 3,000 भी. कोई लॉयर होता है, कोई लॉयर एक घंटे के 10,00,000 भी लेता है और कोई लॉयर सिर्फ 1,000 लेता है. ऐसे वो कंसल्टेंट भी कह सकता है कि मेरी ये चार्जेस हैं. एज अ कंज्यूमर, एज अ स्मार्ट कंज्यूमर, आई वुड सजेस्ट यू टू सर्च अराउंड एंड सी कि क्या जेन्युइन प्राइस में आपको मिल सकता है और आप कितना अफोर्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट. जब हमने पता किया था कीरत के ब्रदर के लिए, सो हमने वो प्लान ए नहीं चूज किया था बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन वी थॉट कि अभी नहीं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. हम दोनों खुद काफी एक्टिव है इन चीजों में, सारी चीजें समझ लेते हैं. तो अब हम आपको प्लान बी बताने वाले जो हमने किया. तो सेकेंड ऑप्शन जो हमने चूज करी थी वो आपको दिखाते हैं अभी गूगल पे. लेट्स गो. सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है LMIA अप्रूव्ड जॉब्स इन कनाडा एंड देन आपको फर्स्ट लिंक पे जाना है जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही है, जिसका URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप उस पर क्लिक करोगे. एज ऑफ टुडे ये वेबसाइट आपको दिखा रही है कि 9,142 जॉब पोस्टिंग्स अवेलेबल है. सो आप इस पेज पे आ गए हो एंड यहाँ पे अब ऑप्शंस हैं टू सिलेक्ट अ प्रोविंस. सो गाइस यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहती हूँ कि प्रोविंस वो चूज करिए जहाँ पे कंपटीशन कम होगा. Yes. मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी. अगर कंपटीशन कम है दैट मींस जो एम्प्लॉयर है ही नीड समबडी एज सून एज पॉसिबल बिकॉज उसको बंदा ही नहीं मिल रहा. और मेरे भाई को भी गाइज एक छोटे से टाउन में जॉब मिली है, वो यहाँ से काफी दूर है. इट्स इन BC बट इन क्वाइट रिमोट एरिया, 12-13 घंटे दूर है. यस एंड सेम थिंग आप भी ऐसे कर सकते हो. रिमोट एरिया वी वुड हाईली रेकमेंड. आप एक बेसिक लेवल पे एग्जांपल ले लो. मान लो मेरी सबवे की फ्रेंचाइजी है, अब मैं वैंकूवर में रहता हूँ तो यहाँ पे मुझे तो ऐसे कोई भी मिल जाएगा. बट yes. अगर मान लो मैं प्रिंस जॉर्ज रहता हूँ, मान लो मैं रजाइना रहता हूँ, तो वो थोड़ा सी जगह ऐसी होंगी जहां पे लोग कम जाना प्रेफर करते हैं और वहां क्योंकि टेम्परेचर की वजह से. एंड वहां पे मेरे को मिलना थोड़ा मुश्किल होएगा. और अगर आप इसीलिए ऐसी वाली जगह पिक कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए पिक कर लेता हूँ अल्बर्टा पिक कर लेते हैं या ब्रिटिश कोलंबिया भी पिक कर लेते हैं. सो अब आपको देखना है ऐसी वाली सारी जॉब्स जो अवेलेबल हैं और नीचे आपके पास दो ऑप्शन आएगी, LMIA पेंडिंग या LMIA अप्रूव्ड. आप अप्रूव पे क्लिक कर लो, कभी दिल करेगा तो पेंडिंग वाली भी देख लेना. अभी के लिए एग्जांपल के लिए अप्रूव पे क्लिक कर लो. उसके बाद ये वाली सारी जितनी भी जॉब पोस्टिंग है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ने कैनेडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, उनकी LMIA अप्रूव हो गई है, वो कोई बंदा हायर कर सकते हैं. सो जैसे कि मैंने ये पोस्टिंग ओपन की है वेजिटेबल फार्म वर्कर की, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि $19 पर आवर वो पे करेंगे, 35 आवर्स पर वीक आपको मिलेंगे. ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है फुल टाइम. 5 वैकेंसीज भी हैं यहाँ पे. 5 वैकेंसीज हैं, दे आर हायरिंग 5 पीपल राइट नाउ. बट नीचे ही मेंशन किया गया है हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. सो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ी. यू कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस जॉब इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, या आपके पास PR हो और टेम्परेरी रेजिडेंट ऑफ कैनेडा हो. Yes. या फिर आपके पास वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट है. सो दैट मीन्स ये ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ वर्क परमिट. तो अगर तो आपके पास विजिटर वीजा है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा. सो आपको वापस जाना है इस पेज पे एंड सर्च करना है बिना उन कंडीशंस के, अगर आपके पास विजिटर वीजा है तो कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी जॉब अप्लाई कर सकते हो आप. तो हमने आपके लिए एक और जॉब सर्च कर ली है, ये है नाइट सुपरवाइजर. आर्ली पे है $23.08, 1 वैकेंसी परमानेंट जॉब. एंड नीचे जाते हैं और वो कहते हैं who can apply for this job, Canadian citizens and permanent or temporary residents of Canada. And फिर second point है other candidates with or without a valid Canadian work permit. ये आप हुए assuming कि आपके पास अभी tourist visa है. Yes. So अगर आपके पास tourist visa है फिर आपको नीचे जाके बस यहाँ पे click करना है. हमने इनकी information blur कर दिया, but यहाँ पे email है, यहाँ पे address है एंड देन इन पर्सन आप मिल भी सकते हो जाके. अब आपने जब अपनी ईमेल लिख दी है तो आपको उस ईमेल में अपना रिज्यूमे अटैच करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, बताना है कि आपके पास विजिटर वीजा है, आप यहाँ कनाडा में क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन कर देना. Yes. उसके बाद इफ दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन योर रिज्यूमे, दैट पर्सन विल गिव यू अ कॉल एंड देन यू गाइस कैन मीट. सो क्या हो सकता है, दो ऑप्शंस हो सकती हैं गाइस. या तो वो एम्प्लॉयर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा. Yes. आपके पेपर वर्क की, दैट ओके वी हैव समबडी लाइक वी हैव अ लॉयर कंसल्टेंट हु विल टेक केयर ऑफ योर पेपर वर्क. या फिर दूसरी ऑप्शन ये होगी कि उन्होंने बोलना है कि आपको जॉब ऑफर मिल गई है, अब आप अपना वर्क परमिट वगैरह के अप्लाई कर लो खुद से. तो जब उन्होंने आपको जॉब ऑफर दे दिया, उसके बाद आपको फिर से आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप सारा प्रोसेस, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड यू आर वेरी प्रोएक्टिव इन दीज थिंग्स, आप खुद भी कर सकते हो. Yeah. कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक कंसल्टेंट हायर करना है, बट आपको लगता है कि यार
हमें प्रोसेस तो सारा पता है बट मुझे कंसल्टेंट की जरूरत है। हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जब मेरी पीआर अप्लाई कर रहे थे हमें ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस पता था, चेकलिस्ट पता थी, स्टिल आई हायर्ड अ कंसल्टेंट बिकॉज मुझे वो हेडेक नहीं लेना था। हमें थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार कुछ निटी-ग्रिटी हम मिस ना कर दें। yes. कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पे सारा कुछ बता देते हैं बट स्टिल जैसे वेबसाइट पे थी कि यू कैन ओनली शो 20 पिक्चर्स बट हमने 80 पिक्चर्स सबमिट करी थी अपनी। सी आपके लिए वो जो आपकी एक LMIA की फाइल है वो एक लौती है, कंसल्टेंट के लिए वो एवरी डे देयर प्रोसेसिंग में भी मोर देन 100 फाइल्स, दे हैव मोर एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। सो इसमें बस बेटर बात ये है कि क्या किसी एक्सपीरियंस बंदे को अप्रोच करना चाहिए या फिर सब कुछ खुद करना चाहिए, ये आप समझदार हो, आपकी कॉल है। बट ऑप्शन वन से इसमें ये फर्क आ सकता है कि आपके चार्जेस होंगे जो वो बहुत ही कम होने चाहिए क्योंकि सब कुछ सारी मेहनत आपने करी है एंड कंसल्टेंट अब आपको सिर्फ पेपर वर्क करवा रहा है, सो चार्जेस शुड बी वेरी नॉमिनल, ये चीज भी अपने दिमाग में रखना। तो नॉर्मली अगर आप ये सारा पेपर वर्क के लिए कंसल्टेंट हायर करते हो दे कैन चार्ज इन द रेंज ऑफ 8,000 to 15,000। इससे अगर आपको कम मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सो ये नंबर्स हम आपको उस हिसाब से बता रहे हैं जो हमें कंसल्टेंट्स ने कोट किए थे फॉर LMIA फॉर जस्ट कंसल्टेशन पार्ट, कि आपने सारा अपना प्रोसेस कर लिया है, डॉक्यूमेंटेशन के इतने चार्जेस दूंगा। एंड आपको एक थर्ड ऑप्शन भी बता देते हैं क्योंकि आप फियांचो और कीरत की वीडियोस देखते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में और उनके भी कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब मान लो किसी का बहुत बड़ा सा गैस स्टेशन है एंड इफ समबडी इज लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉई, उनको नहीं मिल रहा, तो आप अपने रिलेटिव को भी बोल सकते हो कि यार बात कर लो, कुछ कहीं पे पता कर लो, एंड थोड़ा सा बेनिफिशियल ही रहता है अगर आपका कोई ऑन ग्राउंड बंदा ये सब रिसर्च कर रहा हो। yes. जो कीरत के ब्रदर के केस में रहा, तो हम लोग बहुत एक्टिवली रिसर्च कर रहे थे एंड उसी वजह से ये सारी चीजें थोड़ी स्मूथली हो गई। अब फाइनली शेयर करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और बॉर्डर पे क्या क्या क्वेश्चंस हुए। सो कीरत अब बताना शुरू करो, पहली चीज, क्या आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया था? Yes, हमने कंसल्टेंट हायर किया था बट वी ओनली हायर्ड इट फॉर पेपर वर्क। जब अप्रूवल आ गई थी LMIA की, वी हैड टू अप्लाई द वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर यू कैन गो टू द बॉर्डर, US कनाडा बॉर्डर पे जा सकते हो एंड यू मीट द इमिग्रेशन ऑफिसर एंड वो वहीं पे डिसाइड कर देंगे वेदर यू विल बी गिवन द वर्क परमिट और नॉट। सो गाइज, हम अपने कंसल्टेंट का नंबर आपको नहीं शेयर कर रहे बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स था। yes. मुझे बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली मतलब के करना पड़ा था सब कुछ हैंडल, कुछ चीजें थी जो मिस हो गई थी एंड बिकॉज मैं प्रोएक्टिव थी वी वर एबल टू हैंडल इट, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी। ये प्रोएक्टिव प्लस पैरानॉइड भी थी गाइस। मतलब आई रिमेम्बर कीरत वॉज ऑलवेज ऑन द कॉल, शी वॉज कॉलिंग द कंसल्टेंट, देन शी वॉज कॉलिंग 10 अदर पीपल टू नो कि क्या सिचुएशन है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कंसल्टेंट ने कहा कि कीरत के ब्रदर का मेडिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मेडिकल के बिना भी जा सकते हो आप, बट हमारी किसी से बात हुई जिसकी LMIA रिसेंटली प्रूव हुई थी, उन्होंने कहा मेडिकल इज मैंडेटरी एंड काफी टाइम तक यही नहीं पता लगा कि मेडिकल करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। फाइनली कीरत ने क्या किया गाइस, सो आई न्यू समबडी जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, सो आई फोन्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वो कहता ऑब्वियस है मेडिकल होएगा। उसके बाद हमने कंसल्टेंट को फिर कॉल किया एंड कंसल्टेंट हमें कह रहा है आई डू दिस एवरी डे। हाँ. मैंने कहा अगर इसका कॉन्फिडेंस है और ये भी कह रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर भी कह रहा है, हमने क्या किया, कुछ $300 का मेडिकल हुआ था, मैंने कहा भाई सेफ साइड होकर हम को मेडिकल करवा रहे हैं अपना। सो ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से आई हैड लाइक मिक्स्ड एक्सपीरियंस। एक और चीज हुई थी, बॉर्डर पे जब आपको जाना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेता है, आपको बातचीत करता है। कंसल्टेंट ने बोला कि ज्यादा कुछ डिटेल क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होती है, सो यू डोंट हैव टू वरी। हम बिल्कुल सच्ची नॉन प्रिपेयर्ड होकर गए थे बट लकीली उस दिन मेरे भाई की इंटरव्यू थी नहीं, बट वो एंटर करा था इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने देखा उसके आगे एक बंदा था, उससे भाई जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मेरा भाई घबरा गया, नहीं सच्ची, एंड आई वाज इन अ शॉक। मैंने कहा यार मेरे को तो टोटली बिल्कुल ही अलग बताया था कि कैजुअल होता है बिल्कुल। yes. इतनी डिटेल्स में जाते नहीं है सब कुछ। एंड फाइनली इंटरव्यू डे आया एंड आई टुक हिम टू द बॉर्डर और उसको सारे क्वेश्चंस जो पूछे थे, ही वाज प्रिपेयर्ड, ही वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि एकदम से उसके ऊपर ऐसे ब्लास्ट नहीं हुआ कुछ भी। सो ही वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी ऑफिसर्स के पास क्वेश्चंस थे एंड उसको वर्क परमिट मिल गया। ये वही डे था जब मैं वापस कनाडा आया था, राइट? और इन दोनों ने मुझे प्रैंक करने की कोशिश की थी बट इन दोनों के मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल थी, बहुत बड़ी। आप अपना रेज्यूमे लेके जाओगे तो अपना रेज्यूमे में जो आपने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछते थे। बेसिकली इट्स अ इंटरव्यू डे गाइस। अगर इंटरव्यूअर का मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है कुछ ज्यादा लेंथी हो, अच्छा है तो हो सकता है जल्दी हो जाए, बट दे विल आस्क यू ऑल द वैलिड क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस भी आपके यहाँ शेयर करने वाले हैं कि मान लो आपका इंटरव्यू है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यस, सो गाइज, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है? हो सकता है जैसे फियांचू ने बोला कि आपका बिल्कुल ही बेसिक इंटरव्यू हो बट आपको प्रॉपर
प्रिपेयर करना है कि भाई ये अगर पूछे ऑफिसर तो आपके पास आंसर्स हो, आप घबराओ मत. जॉब कैसे मिली, आपने जॉब कहाँ पे ढूंढी, यू नीड टू नो द वेबसाइट एज वेल. ऐसे नहीं आप कहो कि भाई ऑनलाइन ढूंढी. ऑनलाइन ऑफिसर ये भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट, आप इनिशियली कैनेडा क्यों आए थे, किसके पास रह रहे हो, एड्रेस क्या है आपका करंटली. दे वॉन्ट टू मेक श्योर कोई आप इलीगल काम तो नहीं कर रहे थे, आप इलीगली कोई वर्क तो नहीं कर रहे थे. ये सब चीजें आपको उनको बतानी पड़ेंगी. जैसे कि मान लो कि अगर बाई चांस मैकडॉनल्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और फ्लो फ्लो में आपने बोल दिया हाँ जी जब तक हमारा वर्क परमिट पूरा नहीं होता तो हम कैश पे काम कर रहे थे, ये आप नहीं कर सकते. वो आपसे ये सारी चीजें इसलिए पूछते हैं, वो देखना चाहते हैं विल यू बी एबल टू फिट एंड एडजस्ट इन दिस कंट्री. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कंसल्टेंट ने अपने चक्कर में सब कुछ इनको सेल कर दिया, सपने दिखा दिए, अब इस कंट्री में आ रहे हैं. वो आपके लिए भी तसल्ली कर रहे हैं. एक सिनेरियो समझाता हूँ आपको, आप अज्यूम कर लेना. एक कंसल्टेंट आया, उसने आपको बोला 50,000 की आपकी मैं LMI अप्रूव करवा दूंगा, सारा सब कुछ प्रोसेस मैं आपको करवा दूंगा, आपकी नौकरी लग जाती है. 2 महीने बाद आप वहां से फायर हो जाते हो, उस वक्त आप क्या करोगे? कंसल्टेंट ने अपना काम कर दिया जो उनकी डिलीवरी थी. बट अगर आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और ये भी होता है, इट्स नॉट इजी. बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कुछ सपना सोच के कि कनाडा ऐसा होगा, कनाडा वैसा होगा, बट रियलिटी में जब वो हिट होती है तो डिफरेंट चीज है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे. वो ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या आप टिक भी पाओगे कि नहीं. सो ऑल द क्वेश्चंस आर वैलिड. प्लस वो ये भी कंफर्म करते हैं कि आपके लेजिट आपको ये जॉब ऑफर मिली है या नहीं. आपने कहीं हेफ्टी अमाउंट तो नहीं दिया कंसल्टेंट को एंड देन यू आर गेटिंग दिस जॉब ऑफर. सो वो पूरा वेरीफाई करते हैं. मेरे भाई ने एक और कैंडिडेट को देखा था एंड उसको एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि जॉब कहाँ पे अप्लाई करी थी. उसने कहा ऑनलाइन. कौन सी वेबसाइट? वो वेबसाइट का नाम ही नहीं बता पा रहे थे. वहीं पे उन्होंने पकड़ लिया. वो कहते हैं आप दोबारा आना, सॉरी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स, सो वी कांट गिव यू द वर्क परमिट. सो ये भी हो सकता है कि वो आपको कभी ये बोल सकते हैं इस बार ही नहीं, हफ्ते बाद आओ, प्रिपेयर करके अपनी फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई भी आंसर वो ढूंढ रहे हैं तो आपको मौका दे दे दोबारा, एंड दैट इज अ गुड थिंग. सो वी होप आपको ये सारी जर्नी समझ में आ गई है कि टूरिस्ट वीजा को कैसे आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट लिविंग इन कनाडा, वर्क हियर, एंड उसके बाद तो आप PR अप्लाई कर ही लोगे. बिल्कुल गाइस, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जॉब्स के लिए खुद अप्लाई करो, खुद जॉब ऑफर लेकर आओ एंड देन अप्लाई फॉर द पेपर वर्क. एंड जॉब्स इजीली रिमोट एरिया में मिल सकती हैं आपको. जहां पे कॉम्पिटिशन कम है वहां पे ट्राई करना. एंड उसके बाद एक बार PR होगी देन यू कैन लिव एनीवेयर. वो जो थोड़ा सा 1-2 साल का स्ट्रगल होता है वो करना पड़ेगा. बट एनी हाउ वी होप अगर आप ये प्रोसेस के मिडिल में हो तो आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए, आपका वर्क परमिट मिल जाए और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को यहाँ पे कंटिन्यू करो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कीरत क्या करना है इनको? Hit on the like button. नीचे कमेंट करना है अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, वी वुड लव टू आंसर इट. एंड अगर आपको हम दोनों अच्छे लगे तो आपको चैनल पे सब्सक्राइब प्लीज कर देना. बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.